बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमारा मौजू है कि मर्द के मादा में औलाद के जरसीम पैदा करने के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। ये नुस्खा ना मर्द को मर्द बनाएगा और मादा मुनव्वर में औलाद के जरसीम पैदा करने के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। तो उसके हज़ार नोट्स कर लें। तो इसके लिए आपको चाहिए सोलह मिस्री, आपको चाहिए इसके लिए 30 ग्राम, सोलह पंजा आपको चाहिए होगा 30 ग्राम, सफ़ेद मूसली इंडियन खालिस ये आपको चाहिए होगी 40 ग्राम, तुख्मे रेहान 80 ग्राम। तमाम चीज़ें असल और अच्छी क्वालिटी की पेंसारी से ले लें। इसकी तरकीब तैयारी का तरीका यह है कि तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस के उसका पाउडर बना लें। तो इसको खुराक खाने का तरीका यह है कि आपने इसका एक बड़ा चमचा खाने वाला सुबह निहार मुंह एक गिलास नीम गरम दूध के साथ एक माह मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा और आप हमें दुआएं देंगे। ये बहुत आसानी से नुस्खा बन जाता है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है। हकीमों से, फ्राडियों से और दूसरे लोगों से बचें। फ़वाद इसके ये हैं कि ये ना मर्द को मर्द बनाता है, मैदे के ज़ख़म और अमराज मैदा को ख़त्म करता है, औलाद पैदा करने वाले जरासीम पैदा करता है, मर्दाना अमराज ख़त्म करता है, जिरियान इतलाम और सूरत नज़ाल को जड़ से ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा जो गर्म मिजाज वाले लोग होते हैं उनके लिए तो ये बैसे रहमत है और बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसको बनाइए। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम है तो उसको ये मशवरा दें, वो बनाए और इस्तेमाल करें। आखिर में हम फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।